दमोह शहर के जटाशंकर कॉलोनी इलाके में एक 2.5-3 वर्षीय मासूम बच्ची को सुबह के समय अगवा करने की कोशिश किए जाने का मामला आया है। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों द्वारा मासूम को एक अनजान व्यक्ति के साथ जबरन ले जाते देखकर उसे पकड़ लिया गया और मासूम को उसके चुंगल से बचाकर पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया। इसके बावजूद पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक संदिग्ध आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल स्थानीय पुलिस का जांच के बाद यह कहना है कि जिस आरोपी युवक को पकड़ा गया है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यदि उपरोक्त मासूम विक्षिप्त युवक उस मासूम को ले जाने के बाद कुछ उल्टा सीधा कर देता तो क्या तब भी पुलिस यह कहते हुए उसे छोड़ देती या उसके गुनाह को माफ कर देती कि वह है मानसिक रूप से विक्षिप्त या कमजोर है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व भी एक 2 वर्ष की मासूम के साथ जबेर थाना अंतर्गत ज्यादती का घटनाक्रम सामने आया था। सुबह करते हम बच्ची दोनों बच्चियां मंजली और छोटी दूध लेने जा रही थी और टूथ लेने तो स्कूल तन्ने की दूर स्कूल हैगी स्कूल के पीछे दुकान है तो उन्हें स्कूल में लुको ये चार उसने मोड़ी उठाओ दुकान के सामने से लिज्जा लगो तो दुकानदार चीन तुम्हें बच्ची हो तो उन्हें सोची कि हमारे इधर आ रहा है तो उन्हें दुकान पर नहीं उतारा मोड़ी ले जाने लगा मोलारी बाबा को थी तो इसलिए मैंने दुकानदार ने कहा कि तो बच्चियों कहाँ ले जा रहा है तो जब नहीं माना तो उन्हें जब ऐसी पकड़ के उसकी मोड़ियों छुड़वाओ और मोड़ियों छोड़ के मोलारी बाबा चढ़वाओ फिर उसके बाद 15 मिनट बाद फिर नीचे उतरो फिर आओ थे जहाँ ले टट्टी करने आती है तो फिर हमें सुनने मिली तो हम दौड़े हमने उसके लिए मतलब पकड़ा और फिर तुमने फ़ोन लगाया सब लोगों के लिए तो वही ऐसे ऐसा मामला। बच्ची का नाम क्या है बच्ची का? डब्बू। आप पिताजी के हैं? हम पिताजी। कहाँ के निवासी हैं? हम जटाशंकर बूढ़ी कॉलोनी। वार्ड नंबर 6। जी सर क्या मामला था? अखबार का बात आ रही थी सामने आ रही है क्या मामला? सुबह जटाशंकर की एक बच्ची थी 3 साल की जटाशंकर की बच्ची तो वो एक पागल है जसो का था उस तरफ बता रहा था वो कभी कुछ बताता कभी कुछ बताता तो उसको कंधा पे बिठा के घुमा रहा था वहीं पर तो उसके माँ बाप ने देखा तो उसको बुलाया फिर उसको थाने बताया पुलिस को पुलिस पकड़ के लाई उसकी पूछताछ किया उसका वीडियो सर्किट हाउस पर भी मिला है। वो पागल है और अपने अकेले खड़ा खड़ा बातें कर रहा है और कभी गाड़ी से चिपक रहा है उसकी हरकतों से लग रहा है कि पूर्ण रूप से पागल है और यहाँ भी उससे पूछताछ की गई कहीं कुछ जैसा बता रहा है तो उसकी तस्दीक की जाएगी तस्दीक करके उसे जैसा होगा मैदान निकाल सर अगवा जैसा कोई मामला नहीं ऐसा कुछ नहीं ना वो उनके परिजन भी बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ना हम कोई रिपोर्ट करना चाह रहे हैं।